जयपुर में पुजारी आत्मदाह प्रकरण मामले में तीन मांगों पर परिजनों की सहमति बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल तीन मांगों पर परिजनों और प्रशासन में सहमति बन चुकी है। 15 लाख रुपए का मुआवजा और डेयरी बूथ पर जाकर सहमति बनी है। अब पुलिस प्रशासन परिजनों को शव सुपुर्द कर रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सत्यनारायण, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आप लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं किस तरह से परिजन मांगों पर अड़ा हुआ है जब से उस पुजारी की मौत हो गई, लेकिन फिलहाल तीन बिंदुओं पर सहमति, विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जो सूचना मिल रही है हमको अधिकारियों के मुताबिक कि जो परिजन है सुबह से आज मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठे थे और उनकी मांग थी कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और साथ साथ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन आज पूरे दिन सहमति नहीं बनी थी। फिलहाल जो सूत्र संकेत दे रहे हैं कि 15 लाख का मुआवजा और 2 डेयरी बूथ के आवंटन पर सहमति बनी है और साथ साथ जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि तीनों ही मांगे हैं आपकी मान ली जाएगी। हालांकि अभी तक लिखित में आश्वासन का जो साइन करके मांगने की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अब एक परफॉर्म बनाया जा रहा है जिससे कि जो मांगे हैं उनके सहमति पत्र उनको सौंपा जाए, उसके बाद में जो परिजन है उनको पुलिस प्रशासन वो शव सुपुर्द करेगा। हालांकि सूर्यास्त तो हो चुका है, ऐसे में इस पर संशय बना हुआ है कि उनका अंतिम संस्कार आज होगा या कल, तो ऐसे फिलहाल इंतजार करना होगा इस बात का शव सुपुर्द होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार कब होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण तमाम जानकारी देने के लिए।